नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। प्रयागराज जनपद के थाना 12 क्षेत्र के असरबई गांव के रहने वाले शिवकरण पुत्र नरेंद्र कुमार की शादी 3 वर्ष पहले ग्राम सभा अतरसुईया गांव निवासी स्वर्गीय इंद्रजीत के यहां हुई। 24/2/2003 नरेंद्र के ससुराल में फंक्शन था। 3 दिन से नरेंद्र भी ससुराल में ही था। आज रात 2:10 बजे ससुराल वालों से मारपीट थी। मारपीट होने के बाद नरेंद्र ने अपने भाई सूर्यभान के पास फ़ोन लगाकर बताया कि भैया ससुराल वाले हमको मार रहे हैं। इतनी बात सुनकर नरेंद्र का भाई ससुराल पहुंच गया और वहां से अपने भाई को अपने घर असर भाई बुला लाया। लगभग 11 बजे रात नरेंद्र का साला अवधेश कुमार, राम मिलन, रत्नेश स्वर्गीय इंद्रजीत व मामा चार लोग नरेंद्र के घर आया और सूर्यभान से पूछा कि जीजा कहाँ हैं। सूर्यभान ने बताया कि अपने कमरे में सो रहे थे। इतना कहकर सूर्यभान भी अपने कमरे में चला गया। सुबह जब नरेंद्र की माँ कमरे में गई तो देखा कि नरेंद्र फांसी पर लटका रहा था। देखते ही माँ जोर जोर से रोने लगे। मृतक का भाई सूर्यभान ने 12 थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दिया। मामले को संज्ञान में लेते हुए 12 थाना प्रभारी अनिल कुमार वर्मा ने अवधेश राम मिलन रत्नेश स्वर्गीय इंद्रजीत व मामा निवासी अतरसुईया के खिलाफ धारा 306 मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस बात को लेकर परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया। घटना स्थल पर ACP 12 संतलाल सरोज ने कहा कि इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।